डेसिमल टू ऑक्टल, क्या होगा बच्चों? डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। डेसिमल टू ऑक्टल में क्या होता है? बेसिकली बेस 10 वाले नंबर को हमें क्या करना होता है? बेस 8 में कन्वर्ट करना होता है, यही है ना कन्वर्जन में। तो एक डेसिमल नंबर लेते हैं हम, ठीक है। सपोज 1089, 1089, ये किसमें है बच्चों? डेसिमल में। कन्वर्ट किसमें करना है हमें इसे? ऑक्टल में, ठीक है। तो कन्वर्ट करके बताओ, पॉसिबल है क्या? जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी चेंज किया था, कैसे चेंज किया था बच्चों? हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो कन्वर्जन जिसमें करना है हमें, उसके बेस से हमने डिवाइड किया था, यस और नो? किससे किया था? 2 से किया था। बट अभी हमें डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल का बेस कितना होता है? तो इस नंबर को हम क्या करने वाले हैं? 8 से डिवाइड करने वाले हैं। प्रोसीजर क्या होगा आपका? सेम होगा। प्रोसीजर क्या होगा बच्चों? सेम होगा। चलो क्लास से बाहर तुम जाओ, जाओ क्लास से बाहर, क्लास से बाहर जाओ। चलो बाहर जाओ, बोला ना, चले जाओ। यस, ठीक है बच्चों, कन्वर्ट कीजिए इसको। कितना? 1089। कन्वर्ट डिवाइड किससे करना है हमें? 8 से। करो इसको। क्या प्रोसीजर है? मैंने बताया था आपको, परसेंट यहाँ पे होगा, रिमाइंडर यहाँ होगा। फिर से डिवाइड करोगे, फिर कोसेंट इसके नीचे होगा, रिमाइंडर इसके राइट में होगा। जल्दी डिवाइड करके बताओ मुझे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी बताइए, जो आंसर आएगा आप चैट बॉक्स में राइट कर सकते हो। कैसे करोगे इसे राइट? देखो 8 पंजा इधर से राइट से करते हैं तो कितना होगा? 228 हो गया। फिर क्या होगा? 8 3 जा कितना होगा? 49। इधर कितना बचेगा आपका? 59 या कितना? 49 है ना, तो 4 बचेगा ना, 49 होगा। कितने से लगाओगे? 6 जा। रिमाइंडर कितना आएगा? 1 सामने लिखेंगे, कोई दिक्कत? फिर 8 से डिवाइड करते हैं इसको, कितना होगा? 81 जा कितना आएगा इधर? 56। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। फिर से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, कितना होगा? 82 जा रिमाइंडर। अब डिवीजन पॉसिबल है क्या? तो जस्ट राइट लाइक दिस, 21 कैसे लिखेंगे? बॉटम टू टॉप, सो 2101, 2101। क्लियर है? इजी है ना बच्चों? एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं आपको कन्वर्ट करना है। सो कन्वर्ट करके बताइए। यस, गो फास्ट। विजिबल है ना स्क्रीन? किसी को दिक्कत? कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, मैथमेटिक्स आप जानते हो, आप सॉल्व कर सकते हो, है ना? सिंपल मैथमेटिक्स जो आपने बचपन में पढ़ा हो, अगर 10 पढ़ा है उसको भी नहीं, लेकिन 5 6 क्लास में जो आपने पढ़ा है। आपको
1451 चेक कर लेते हैं, है ना, चेक कर लेते हैं बच्चों। हाँ कितना है 809, 8 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 1 आएगा, फिर कितना आएगा 12, सही है, फिर 8 1 1451 सही है, तो इतना ही आंसर आया। तो बेसिकली बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स यूज करें, सिंपल डिवीजन आपको आता होगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई इशू बच्चों? सो नेक्स्ट देखो, अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जब ये सारे सॉल्व कर लोगे तो फिर मैं पॉइंट वाला बताऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है ऑक्टल टू, ऑक्टल टू डेसिमल, नहीं इसका सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है। अब एक का स्टार्ट करेंगे वन से, वन एट, एट का डबल, इस तरह से करेंगे, दैट इज अ डबल नहीं करेंगे, एक्चुअली पावर करेंगे, एट टू डी पावर जीरो, एट टू डी पावर वन, एट टू डी पावर टू, तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क है सर, तो हर जगह ये सिस्टम यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या होगा आपको फिर उसके लिए पावर का वैल्यू याद रखना होगा ना, तो उससे अच्छा मैं ऐसे क्यों नहीं सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत। ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल में सॉल्व करोगे तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ आप, ठीक है 108। चलो ये सॉल्व कितने लोग कर सकते हो, हैंड रेज करो, अब जितने लोग सॉल्व कर सकते हो है ना, सारे गलत सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ऑक्टल में एक पॉसिबल है क्या, तो फिर ये ऑक्टल में कैसे हुआ, मैं तो चेक कर रहा था आप लोग कितने बच्चे जो है ना सुनते हो क्लास में अच्छे से, है ना, मैंने क्या बोला था ऑक्टल में जो भी डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे 0 to 7, उसके अलावा नहीं, और मैंने यहाँ पे क्या राइट किया पॉसिबल है क्या नंबर, इसीलिए क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होता है, ये समझ लीजिए, है ना, आपका आंसर एप्रोप्रिएट होना चाहिए, कोई दिक्कत। अब बताओ कितने लोग सॉल्व कर सकते हो इसको, अभी भी सॉल्व कर सकते हो बस नहीं, चलो तो अब इसलिए कहता हूँ क्लास में जो है ना केयरफुली सुना करो, चलो लिखोगे 709, ये पॉसिबल है, ठीक है, तो अब मैं दे देता हूं आपको 65, अब पॉसिबल है, तो फटाफट सॉल्व करके बताओ मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सेम प्रोसीजर है, याद है जब मैंने बाइनरी टू डेसिमल चेंज किया था, कैसे चेंज किया था, पावर के फॉर्म में, तो यहाँ भी आप वैसे सॉल्व करो, सबसे पहले आपको राइट मोस्ट सॉरी लेफ्ट मोस्ट वाले डिजिट को लेना है, दैट इज 7, यस नो, इनटू 8 लिखोगे, अब देखो जो 7 हमने सेलेक्ट किया उसके राइट में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 8 2 डिजिट क्या होगा 8 टू द पावर 2 हो जाएगा, प्लस 6 लिखोगे, अब 6 के राइट में कितने डिजिट्स बचे, 8 टू रेज टू पावर 1, फिर प्लस कितना होगा 5 इनटू 8 टू द पावर 0, कोई दिक्कत, कितना हो गया, सॉल्व करो इसको, जो आंसर आएगा वो आपका डेसिमल। और एक चीज आपने गौर किया होगा यहाँ पे कि देखो डेसिमल का जो वैल्यूज है जब आप डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट किया था आपने, तो वैल्यू कुछ इंक्रीज हो गया था ना, और क्या था जब आपने डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट किया था वैल्यू इंक्रीज हो गया था, वैल्यू सेम है पर फॉर्मेट अलग, क्या है वैल्यू सेम है बस फॉर्मेट अलग है,
रीजन ये है कि हम जब डिवाइड करते हैं 10 से डिवाइड करेंगे उसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और जब किसी को 8 से डिवाइड करेंगे सेम नंबर को तो क्या होगा उसका वैल्यू ज्यादा आएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो आप। अब आप क्या कर रहे हो, 8 वाले को 10 में कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जो नंबर आएगा वो इससे क्या होगा, कम होगा। यदि आपको इसके बराबर या इससे ग्रेटर आ रहा है तो इसमें आपने गलत सॉल्व किया है। ये छोटा सा ट्रिक है जो आप याद रख सकते हो। कोई इशू, फिर से रिपीट कर दो। मैंने बोला जब भी हम स्मॉलर बेस वाले को हायर बेस वाले में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगा इससे छोटा होगा, बट एक्चुअली में दोनों सेम नंबर है, दोनों का फॉर्मेट कोई ऑक्टल में है कोई, बट एक्चुअली जो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग दिखोगे ना उसका क्या है वैल्यू, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या हो कम मिलेगा, और जब हायर से लोअर में करोगे तो ज्यादा मिलेगा। कोई दिक्कत, करके दिखाओ कितना आंसर है इसका। 501 सबको इतना आया है क्या? Yes, sir. ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को 536 आया है, चेक कर लो। सबको 501 आया है ना? कोई ऐसा है इसको डाउट है अभी भी? एनीवन, किसी को डाउट है, किसी को नहीं है? चलो एक नंबर में और देता हूँ, कन्वर्ट करो इसको। पावर जीरो होगा इसका वैल्यू 326। कितने लोगों को आया 326? कितने लोगों को कुछ भी नहीं आया अभी तक? चलो किसी को डाउट है? एनीवन प्लीज, किसी को डाउट नहीं है? अच्छी बात, तो इसका आंसर क्या है? 326। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यदि किसी को डाउट है आप हैंड रेज कर सकते हो अपना। किसी को डाउट नहीं है? ओके, सो नेक्स्ट, तो हमने देखा डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल टू ऑक्टल टू, नेक्स्ट वन इज व्हाट, डेसिमल टू डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट बेस 10 इनटू बेस 16। कोई इशू? एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, मैंने पहले भी बताया था कि जब डेसिमल में जो डिजिट्स होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं, 0 टू, बट हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 to 9 तो होता ही है, देन 10 11 12 13 14 15 तक होता है। सो इस 10 को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड A, B, C, D, E, F, ठीक है ना? तो डेसिमल है, कन्वर्ट करते हैं इसको। टू फिफ्टी फाइव का फाइंड करो,
ये डेसिमल में है, कन्वर्ट किसमें करना है आपको, हेक्साडेसिमल, मतलब बेस 16 में। कैसे करोगे फर्दर, सेम प्रोसेस है यहाँ भी, क्या करना है आपको हमेशा याद रखिए, जब भी हम डेसिमल से किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें आप कन्वर्ट करते हैं उसके बेस से डिवाइड करना है। अभी हम इसमें कन्वर्ट करने वाले हैं, तो हमें क्या करना होगा, 16 है ना, हेक्साडेसिमल का बेस कितना है, 16 है, तो 16 से इस नंबर को डिवाइड करना होगा। और प्रोसीजर आप ऑलरेडी जानते हो, सेम प्रोसीजर है यहाँ भी, कोसेंट को हम नीचे लिखते हैं और जो रिमाइंडर आएगा उसको राइट में लिखते हैं, ठीक है। पॉइंट कीजिए इसको, 15 है, जो भी आंसर आया ना चैट बॉक्स में लिखा दीजिए, ठीक है। सो बेसिकली क्या आया बच्चों, 15 आया आपको क्या, और ये 15 क्या आया आपको, ये आया ना, और इस 15 को हम क्या कहते हैं, F, और इसको क्या कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है सही है, मुझे लगता है आप लोगों ने गलत बनाया है, क्या सही है, चेक कर लो सही है सबने, चलो देखते हैं, 1 जा, ठीक है, कितना आएगा इधर, 95 हो गया ये, कितना लगा होगा, 15 आया, चलो ठीक है सही है, वेरी गुड। सो बेसिकली दिस इज F एंड दिस इज F, सो ये क्या होगा, FF, क्या लिखोगे अब, FF, कोई इशू किसी को, कोई डाउट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताओ इसको कितना आएगा, 1% डाउट है तो बता सकते हो, किसी को भी 1% भी डाउट है तो आप बता सकते हो, हां 389, चलो वेट कर लेते हैं और लोगों को भी, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी अपना आंसर चैट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया है, यस आप बताइए कितना है, 389, और किसी को 389 आया, तो हम लोग इसी नंबर के साथ चलेंगे, है ना, 389, चलिए, क्या सबको आया है, कोई ऐसा है इसको गलत कर सकते हो, कोई ऐसा स्टूडेंट इसको लगता है ये आंसर गलत है, एनीवन, कोई भी, कोई भी देरी कंफ्यूजन है,
सॉल्व हो गया ना, किसी को कोई डाउट है फिर से बता दूंगा। सो बेसिकली दिस इज 905। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंसेप्ट जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे वहां भी बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जहां पे आपको बाइनरी टू डेसिमल और अलग अलग सिस्टम पे आपको कन्वर्ट करना होगा। कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ोगे वहां भी यूज होगा ये, है ना। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर पढ़ोगे वहां भी यूज होगा। ये तरह का आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, स्पेशली आप लोगों के लिए सीएसआईटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। ये कहीं भी यूज हो सकता है। बेसिकली जब एड्रेसिंग करेंगे हम लोग कहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज करते हैं एड्रेसिंग का कंसेप्ट, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज करते हैं, है ना, और कंप्यूटर नेटवर्क में भी यूज करते हैं। तो वहां पे ये कंसेप्ट आपको यूज है। इवन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सुना होगा आपने सब्जेक्ट, है ना, उसमें भी ये यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसीलिए फंडामेंटल में आपको ऐड किया गया ताकि आपको वहां पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो देखते हैं डिवाइड किससे करना है हमें, 16 से। कितना जगह लगाओगे, कितना होगा, अब देखो कितना कितना लोगे यहाँ पे 10 और 105 हो गया। कुछ बच्चे वहां पे 1 ले रहे थे, ये प्रॉब्लम कर, इसलिए उन लोगों का गलत आंसर आया है ना, वो 1 ले रहे थे यानी इसको 15 बना दे रहे थे, लेकिन ये क्या होगा 105। अब कितना जा लगा होगा इसमें, 6 जा 9 हो गया। फिर से डिवाइड करते हैं हम लोग, 3 जा 8 और रिमाइंडर कितना आएगा 8, ठीक है। अब राइट कर दो इसको, अब पॉसिबल तो नहीं डिवीजन, तो 389 इज द करेक्ट आंसर। कोई इशू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट है आप हैंड रेज कर सकते हो। हाँ कोई, चलिए वेरी गुड सौरभ। सो बेसिकली बहुत सिंपल है बच्चों। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, सो नाउ वी विल सी हेक्साडेसिमल, हेक्सा डेसिमल टू टू डेसिमल, सेम प्रोसीजर है, याद है आपको जब हमने किसी दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो क्या प्रोसीजर था, याद है आपको, जिससे हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बेस में हमने पावर से मल्टीप्लाई किया, ये किया था, सेम प्रोसीजर यहाँ भी यूज करने वाले। तो हर एक डिजिट को हम लेंगे, पिक करेंगे एक डिजिट को और उसके राइट में जितने भी हैं उतना क्या होगा, 16 पे पावर होगा, यस ना। और उससे फिर क्या करोगे आप, 16 पे मल्टीप्लाई करोगे। तो इसी प्रोसीजर को हम फॉलो करने वाले हैं। तो देखिए क्या होगा बच्चों यहाँ पे, इफ आई राइट 1FA, जस्ट फाइंड इट, तो कैसे लिखोगे, 1 है 1 इंटू 16, फिर प्लस लिखो एफ, जस्ट 1 मिनट, लिसन टू मी फर्स्ट, एफ इंटू 16 प्लस ए इंटू 16। अब देखो इस 1 के राइट में कितने डिजिट्स हैं, तो इस पे कितना होगा पावर, इस पे कितना होगा 1, इस पे कितना होगा 0। अब कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग, क्योंकि फर्स्ट टाइम है इसलिए मैंने आपको बता दिया इस तरह से कि आप गलती ना करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको मैंने बताया था ना एफ का मतलब क्या होता है, तो उस एफ को 15 से रिप्लेस कर दो और ए का वैल्यू कितना होता है, उस ए को आप 10 से रिप्लेस कर दो, देन सॉल्व कर दो, दैट इज 5060। चलो तो हम लोग क्या करने वाले, 1 इंटू 16 पावर 2 प्लस एफ, एफ का कितना होगा 15 प्लस 10 इंटू, और बेसिकली मैं कुछ बच्चों को बोलना चाहूंगा, चलो कुछ ऐसा है जो आपने 4, 5, 6 क्लास में नहीं पढ़ा होगा, वही चीज है, सेम है ना, जो आपने यस इसमें क्या दिखा, मैंने क्या बताया आपको, कैसे हम फाइंड किए थे बाइनरी टू डेसिमल या ऑक्टल टू डेसिमल, याद है कैसे किया था। बेसिकली जब हमने ऑक्टल से, जब भी किसी नंबर सिस्टम से हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, जिससे हम कन्वर्ट करें डेसिमल में, है ना,
उसके बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी किससे कन्वर्ट कर रहे हैं बताओ, डेसिमल से, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना है, 16। इसके एक डिजिट को लो, लेफ्ट मोस्ट डिजिट को लिखो नीचे, इनटू 16। और इस वन के राइट में कितना है बताओ, टू डिजिट्स है, तो रेज टू पावर टू। सिमिलरली एफ को लिखेंगे यहाँ पे हम, इनटू 16। और इस एफ के राइट में कितना है, टू वन प्लस। एक्चुअली ये जो है ना 62 रेज टू पावर 2, ये सब क्या है, उसका वेट होता है, उस पोजीशन का वेट होता है। आपने प्लेस वैल्यू सुना होगा, तो वैसे यहाँ भी क्या होता है, हर नंबर में उसका वेट होता है ना, तो वही वेट, उसी वेट से हम उसको मल्टीप्लाई करें एक्चुअली। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। कितना है आप लोगों को ऐसे, यानी दिस इज 506। वेरी गुड। एक चीज और मैंने देखा अभी, ऑनलाइन स्ट्रेस में केवल सौरभ ही अप्लाई कर रहा है, उसको वेट करते हैं बाकी लोगों को भी। वेरी गुड सौरभ। यस अंकित कुमार, यस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। आपने सॉल्व किया? नो सर। क्यों नहीं सॉल्व किया सर? मेरा एक्चुअली नेट भी स्लो है, समझ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, नेट स्लो है? यस सर। तो आपकी आवाज क्लियर आ रही है मुझे सर। अभी मैंने बाहर रख रखा है मेरा अपना मोबाइल। कोई नहीं, जो वीडियो अपलोड करूंगा तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ओके सर। यस सुधांशु सर, जो सॉल्व किया थे उसका तो दिए। चलो ठीक, मैं बैठ जाता हूँ। अब फिजिबल है सबको? सो बाइनरी टू ऑक्टल की बात कर रहा हूँ, तो जितने भी नंबर्स हैं 0 से लेके 15 तक एटलीस्ट आपको बाइनरी फॉर्म उसका याद रखना होगा, उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे देखो, 0 का क्या होगा, 0 होगा, मैं ऐसे लिखता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, 0 का 0, 1 का 1, 2 का क्या होता है 10, 3 का 11, 4 का 100, 101, 110, 7 का 111। अभी देखो, हमें इतना ही, अभी ऑक्टल में हमें इतने से ही काम है, बट आगे भी मैं बता देता हूँ। 8 का क्या होगा, देन 10 का 1010, 11 का 1011, 12 का 13 का 14 का 115 का 111। ठीक है बच्चों, चलो कोई नहीं, जस्ट वन मिनट, मैं अभी शो कर देता हूँ आपको, टेंशन मत लो। अब विजिबल है सबको? अब विजिबल है सबको ना? ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, जस्ट वन मिनट, अब सही है। तो सेम काम हमने यहां पे किया, चलिए देखते हैं। तो सॉल्व करेंगे अब कैसे, बहुत आसान है। हम एक बाइनरी नंबर रैंडम लेते हैं कोई भी, 1010, 1010। ठीक है, ये किसमें है अभी, कन्वर्ट किसमें करना है हमें, बहुत आसान है बच्चों। हम राइट से लेफ्ट की ओर तीन तीन बीट का पेयर स्टार्ट करेंगे बनाना, समझ आया कुछ? राइट से लेफ्ट में चलेंगे और तीन तीन बीट का पेयर स्टार्ट करेंगे हम। तो देखो, ये फर्स्ट पेयर होगा, सेकंड होगा। अब ये तीन बीट है क्या, तो क्या कर सकते हैं, एक जीरो यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, तीन बीट में हो गया। अब बताओ इसके करेस्पॉन्डिंग क्या आप लिख सकते हो यहाँ पे, देखो 010 मतलब 2 होगा ना, 101 को क्या लिख सकते हैं हम, 5, और 10 को क्या लिखेंगे अगेन, 2। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, 2, 5। बहुत आसान है ना बच्चों। तो अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, दो फास्ट,
यस तो फिर से देखते हैं फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर थर्ड पेयर और यहाँ पे दो जीरो ऐड करेंगे फोर्थ पेयर वैल्यू लिख दो क्या होगा ये वन हो जाएगा ये सेवन ये टू ये फाइव तो वन सेवन टू फाइव सबको आया है इतना इजी है या नहीं बताओ इजी है ना यस सर नो किसी को डाउट है एनीवन डाउट नहीं है तो फिर सिमिलरली हम लोग बाइंडी टू क्या करेंगे जस्ट वन मिनट सेवन का वन वन नहीं एक्चुअली वो जो मैंने कट कॉपी पेस्ट किया है तो उससे वो प्रॉब्लम हो गया चलो मैं ठीक कर देता हूँ इसको जैसे वन एक मिनट मैं बोल रहा हूँ वेट करो हाँ बताइए क्या दिक्कत है क्या स्क्रीनशॉट लेना है कोई बात नहीं पीडीएफ में आप एक सेंड कर दूंगा आपको ठीक फ्रंट पर समझ में आया देखो कंसंट्रेट करो समझने पे है वो ज्यादा अच्छे समझ में हो गया ना तो वेब पे जाके भी ट्राई करोगे समझ में आएगा तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब क्या होगा ऑक्टल टू ये और भी आसान है सेम मैं लिखता हूँ सपोज सिक्स सेवन जीरो सिक्स किसमें अभी ऑक्टल में है मुझे कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे सिंपल है देखो सेवन को मैं क्या लिखूंगा वापस थ्री बिट के फॉर्म में वन 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 जीरो को क्या लिखूंगा सबको थ्री बिट के फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा जीरो 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 सिक्स को क्या लिखूंगा मैं हो गया दैट्स ऑल आसान है ना बच्चों सबसे इजी यही है ना बट इजी कब होगा याद रहेगा तो जब आपको एटलीस्ट सिमिलर जब हम बाइनरी टू और हेक्साडेसिमल भी देखेंगे ना तो बाकी जो मैंने बताया था ना आपको नाइन के बाद है ना नाइन टेन ये सब का वो वहां पे यूज करो इसीलिए एटलीस्ट वन जीरो से लेके फिफ्टीन तक आपको और जितना हो सके याद रखिए वो अच्छा है आपके लिए क्योंकि आपको आईटी में किसी ना किसी पेपर में आपको ये इनकाउंटर हो सकता है कहीं भी तो इसीलिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये नंबर सिस्टम मैंने बताया कोई इशू यस ये तुम वहीं पे हो अभी तक ठीक है बच्चों क्लियर है तो आप लोग कुछ खुद से क्वेश्चन लीजिएगा सॉल्व करके देखिएगा कि सॉल्व हो पा रहा है या नहीं yes. एक काम करोगे एक क्वेश्चन लोगे फाइनली में रैंडम लोगे सुधांशु यह सुधांशु कोई इशू है